रामपुर नेकिन जनपद अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के बाद आए परिणामों को लेकर आज निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही जिन वार्डों में बराबर मत मिले थे उनके बीच चिट्ठी उठाकर निर्णय किया गया। हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने बताया कि गुरुवार को शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल में मत पेटी को खोलकर सूचीबद्ध सारणी बनाई गई और सभी विजय प्रत्याशियों को उसकी जानकारी देते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए गए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 1 जुलाई रामपुर नेकिन विकासखंड क्षेत्र में मतदाताओं ने जिला पंचायत प्रतिनिधि, जनपद प्रतिनिधि, सरपंच और पंच के लिए मतदान किया था। जनपद प्रतिनिधियों के 25 प्रत्याशियों के साथ ही जनपद की 69 पंचायत के सरपंच को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे, जिसमें मुख्य रूप से रामपुर नेकिन एवं चुरहट की प्रभारी अधिकारी SDM SP मिश्रा, तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, तहसीलदार मणिराज सिंह बागरी, महिला बाल विकास अधिकारी शिवानंद शुक्ला, बाणसागर परियोजना SDO सोनी जी एवं नगर पंचायत चुरहट के समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान हमारी संवाददाता बलराम पांडे ने जीते हुए प्रत्याशियों से बात करके ग्राम पंचायत के लिए क्या कैसे कार्य करेंगे इसके बारे में जायजा लिया। नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और आप देख रहे हैं वाइट ऑफ राइज। हम खड़े हैं उस जगह पर जहां पर सरपंच जनपद सदस्य के प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहे हैं। इसी बीच ममदर के वार्ड नंबर रामपुर जनपद अंतर्गत ममदर के वार्ड नंबर 11 से निर्वाचित हुए आशीष अग्निहोत्री से हम बातचीत करेंगे, जो किस तरह विजय प्राप्त हुई, कितने मतों से विजय प्राप्त की है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत है और दूसरी बात आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जीत के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा रहा संघर्ष? संघर्ष नहीं था, जनता का एक तरफा सहयोग था और मतलब जनता की जीत हुई है। कितने मतों से? 600। लगभग 600 मतों से जीत हुई है। भारी भरकम मतों से हो गया? भारी भरकम मतों से मानिए या जो भी मानिए, नहीं 600 की जीत छोटी चीज नहीं मानी जाएगी। आपके मूलभूत जो सरपंच जनपद सदस्य बनने के बाद कार्य होंगे वो किन बिंदुओं पर? जनता के हित के लिए हमको जहाँ तक जैसे भी लड़ना पड़ेगा, शासन की जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक पहुँचाना हमारा काम रहेगा और हम शासन प्रशासन और स्थानीय जनों से सहयोग के लिए हमेशा अपेक्षित रहूँगा और उसके लिए उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आदरणीय चाचा जी से मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है कि और कुछ क्या जनपद पंचायत में अपने होना चाहिए और आपके जीते हुए प्रत्याशी उस कार्य में सफल हो पाएंगे, क्या करेंगे? प्रत्याशी हमारे जो विजयी हुए हैं काफ़ी अनुभवशील हैं, क्योंकि ये 3 बार लगातार जनपद से हार चुके हैं, चौथी बार इनको विजय हासिल हुई है। आपको बता दें कि 3 बार दो बार लगातार जनपद संघर्ष के बाद तीसरी बार इन्हें विजय की प्राप्ति हुई है। ये कठिन परिश्रम हर जनता इनसे ये चाह रही है कि हमारे माने विकास के लिए जो योजनाएं आए उनमें नवीनीकरण दिखे, और इसी आशा विश्वास के साथ लोगों ने इतने भारी भरकम जनमत इनको प्रदान किया है। हम भी यही चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा करें कि माने अपने जनपद क्षेत्र का एक नया विकास कीजिए। अभी तक बहुत सारे इंटरव्यू मैंने लिए हैं, पहली बार किसी प्रतिनिधि ने ये बताया कि मैं नवीनीकरण की ओर ध्यान दूँ, ये बहुत अच्छा है। जनता के हित के लिए हम लोग कुछ करने को तैयार हैं, शासन की यदि योजना आएगी तो उन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों का लक्ष्य है। चालू है ग्राम पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार बाबा 87 वोटों से विजय प्राप्त कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय हमारे जनता है, उनका श्रेय है और ये चुनाव हमारी जनता है। सर आप एक चीज ये बताइए कि आप चुनाव जीते इसके प्रमुख काम क्या क्या करेंगे? आप देखिए, पहला काम है शिक्षा का, हमको पहले काम है शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, हमारे यहाँ पुस्तकालय नहीं हो पुस्तकालय करना है। दूसरा है स्वास्थ्य का और तीसरा है पानी का, जल का पानी का, ये मेन रूप से हमारे काम है।
और सड़क बिजली पानी ये सब काम होंगे बहुत अच्छी तरह से। आपकी साफ जनता का जो सैलाब है ये निश्चित रूप से बता रहा है कि जीत के हकदार आप ही थे, आप जनता को किस तरह से आभार प्रकट कर रहे हैं? जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि जीत हमारी नहीं है, जनता की जीत है। मैं अपने गांव के पूरे पचोखर के पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। और जिस चैनल से हमारी बात हो रही है उस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, वॉइस ऑफ राइट तक आए, हमारी चीज़ों को इतनी दूर तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार होगा और बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को। सुनना सर आपका बलराम पांडे, बलराम पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ग्राम पंचायत कपूरी बिदौलिहान से शिव प्रताप सिंह लल्लू दादा के नाम से प्रसिद्ध है और लगातार सरपंच का चुनाव निकालते आ रहे हैं। लगभग इस बार चौथी बार है? नहीं, ये दूसरी बार है, पहली बार हमारी मैडम, मतलब कुल मिला के आपके ही घर से थे ना? हाँ हाँ, आप दूसरी बार है और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जीत का श्रेय, लड़ाई इस बार कठिन थी और जीत का श्रेय किसे देना है? हमारे जनता का पूरा श्रेय आपके साथ, लड़ाई तो भी चढ़ती लड़ाई तो मान चलें कि नौ बनाम उनका जनार्दन और ऐसा हमें जानकारी मिली थी कि लल्लू हराओ अभियान चल रहा था। हाँ, ये भाई साहब बोल रहे थे कि गलत बात तो नहीं है, लल्लू ना बनने पाए कोई बन, लेकिन लल्लू के कार्यकर्ता जो हमारे कार्यकर्ता थे बिल्कुल पीछे हटे नहीं, इतने कठिन परिश्रम में मान के चले वो जितना साथ दिए हैं तो हम कभी भर पाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़े हुए थे उनकी घोषणा तो हो चुकी थी लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया था। आज प्रमाण पत्र बंटने की बारी थी, इसमें कुड़िया से सरपंच पद के उम्मीदवार अरुण कुमार तिवारी जी जिन्हें आज प्रमाण पत्र जीत का मिला है और साथ में ग्राम पंचायत चित्रा से शुक्लान से हम कुछ सवाल पूछेंगे। कैसा लग रहा है सर? जीत का श्रेय किसे देना चाहिए? कार्यकर्ता हो, हमें ऐसे मालूम पड़ा था कि लास्ट में चुनाव में जीत मिलते समय कुछ दिक्कतें आई थी आपको? परिस्थितियां तो बहुत आई लेकिन कार्यकर्ताओं का और जनता का जो उत्साह था हमारे पक्ष में रहा। और अब ग्राम पंचायत के आप सरपंच बन जाए, क्या क्या प्रमुख चीज़ें करेंगे गांव के विकास के लिए? जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए प्रयास करते हैं, पूरा कार्य करेंगे जिससे गांव की कोई भी जो दिक्कत मूलभूत समस्याएं हैं बिजली पानी रोड और जो भी अन्य समस्याएं हैं उसका वो उपयोग निदान कर लोगों को राहत मदद करेंगे। धन्यवाद। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।